हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले क्विंसी टॉय। सो ये एक ड्राइंग रोबोट है, आप देख सकते हैं। काफ़ी छोटा सा रोबोट है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 3 से 10 साल, उनको ड्राइंग सीखना है, तो ये रोबोट उनको ड्राइंग सिखाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। सो इसमें बहुत सारे कलर वेरियंट्स भी आते हैं। ये मैंने जस्ट मंगाया, आई थिंक 5 से 6 हज़ार का। अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि अंदर पैकेट कैसा होता है। इसके अंदर ये डिफरेंट बुक्स आते हैं। ये उसका आई थिंक यूज़र मैनुअल है। इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये लेवल 2 है, ऐसे ही ये लेवल 4 बुक है, लेवल 1, लेवल 3। इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के ड्राइंग्स हैं। ओके, आइए हम लोग एक्चुअल प्रोडक्ट को देखते हैं। ये देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये रोबोट के आर्म्स हैं, 2 आर्म्स जो लगने वाले हैं। और ये बॉक्स में 2 पेन भी दिए हुए हैं जो ड्राइंग करने में हेल्प करेंगे हमारी। आइए ये बॉक्स में देखते हैं। सो इसमें लिखा है 1 USB और शायद इसमें कार्ड्स हो सकते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, लाइक ये वो QR कोड्स है जो आप रोबोट के सामने रखते हैं एंड देन वो चीज़ वो ड्रॉ करता है। जैसे ये पिग का है, गोट का है। हम लोग बाद में वर्किंग में देखेंगे कि वो कैसा वर्क करता है। इसका काम बाद में आएगा। और ओके, और भी QR कोड्स हैं। और इसमें यहाँ पे इसका USB केबल है पावर करने के लिए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे मेन रोबोट। यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोड है एंड बॉक्स को साइड में रख देते हैं। ये देखते हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ऐसा कुछ दिखता है। ये रोबोट का नाम क्विंसी है। यहाँ पे इसका पावर प्लग एंड मेमोरी कार्ड शायद डाला हुआ है। ये इसका पावर स्विच है, आप क्लिक साउंड सुन सकते हैं। इसमें स्पीकर भी है जो हम लोग को लाइक कैसा ड्रॉ करना है ऐसा इंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे 3 बटन्स हैं। ये हम लोग को प्ले पॉज वाला बटन दिख रहा है, इसका साइन। ये हम लोग को नेक्स्ट बटन के लिए और ये रिपीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस। हम लोग एक्चुअल इसका वर्किंग देखेंगे कैसा वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग वो QR कोड दिखाते हैं एंड देन उसके बाद वो एक्चुअली वो ड्रॉ करना चालू करते हैं। ये यूजुअली ऐसा हम लोग रखते हैं, यहाँ पे सामने पेपर रहता है एंड ये जो 2 आर्म्स है, चलिए ये भी देख ही लेते हैं कैसे हैं। ये उसके आर्म्स है। ये आर्म्स मैग्नेटिक है, यहाँ पे भी मैग्नेट है। डायरेक्टली लग गया इस पर, ऐसा कुछ चलता है ये रोबोट। यहाँ पे हम लोग पेन सेट करते हैं। पेन सेट करने के बाद हम लोग सामने पेपर शीट रख के QR कोड दिखा सकते हैं। आइए मैं इसे सेटअप कर देता हूँ एंड देन हम लोग देखते हैं कि इसका ड्राइंग कैसा होता है। गाइस, हम लोग ने अनबॉक्सिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं। टोटल 4 लेवल्स है बुक्स के, 1, 2, 3, 4 एंड एवरी बुक के साथ लाइक कलर कोड है। रेड वाला रेड के साथ जाता है। रेड वाला सब लाइक फ्रूट्स एंड इसके रिलेटेड है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी है, ए से लेके फुल जेड तक। एंड एवरी बुक में आपको और भी इंफॉर्मेशन है, लाइक कौन सा वाला नंबर, कौन सा एनिमल या फिर क्या ड्रॉ करेगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि कैसा ड्रॉ करते हैं ये रोबोट से। चलो इसे हम सब साइड में रख देते हैं और मे बी हम लोग ट्राई कर सकते हैं PS।
ये ट्राई कर सकते हैं। सो ये वो रोबोट है। मैं कुछ बटन्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे इसका पावर सप्लाई है, ये इसका पावर ऑन प्लस अगेन द वॉल्यूम जो आता है, ये इंस्ट्रक्शंस भी रहता है इसके लिए। इसका वॉल्यूम कंट्रोल भी यहीं पे होता है। पावर ऑन, मैं अभी फ़िलहाल पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ। 5 वोल्ट का पावर इसके लिए सफिशेंट है। एंड एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके नीचे यहाँ पे सक्शन पंप रहता है, लाइक सक्शन कप है, तो ये उसको जगह पे रखता है। आइए हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। मैं यहाँ पे इसको फिट कर देता हूँ सक्शन पंप से। एंड आपको याद होगा हम लोग को 2 ऐसी पेंस मिली थी विथ रबर स्टॉपर्स। ये स्टॉपर्स रहते हैं ताकि हम लोग लेवल कर सकें। एक A4 पेपर लगेगा। यूजुअली A4 पेपर को हम लोग को होल्ड करके रखना पड़ता है या फिर हम लोग को लाइक टेप करके रखना पड़ता है ताकि मूव ना हो। हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये इसका एक इनिशियल कैलिब्रेशन करेगा। ये इसका स्टार्टअप सीक्वेंस ऐसा कुछ होगा। अगेन ये बैटरी ऑपरेटेड भी है, तो आपको लाइक हमेशा USB कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, क्योंकि ये मैंने चाइना से मंगवाया है, तो फिर लाइक इसके इंस्ट्रक्शंस चाइनीज़ रहेंगे, बट ये अगेन इंग्लिश वर्जन में भी आते हैं। ओके, सो हम लोग ट्राई करेंगे ये वाला QR कोड। सबसे पहले हम लोग को पेन सेटअप करना है। यहाँ पे ये स्क्रू है। पेन सेटअप बहुत इजी है। आपको इतना ही, आपको ये रबर स्टॉपर इतना सेट करना है कि वो पेन सिर्फ पेपर को टच करे। आफ्टर ये हो जाए आप सिर्फ वो स्क्रू को फिट कर सकते हैं। जैसा ये थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, बट हो जाता है इजीली। ये अभी पेपर पे सेट है। मैं ये स्क्रू टाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सेट होने के बाद पेपर में यहाँ पे रखूँगा। आपको मैं कुछ बटन्स के बारे में बता दूँ। ये बटन्स प्ले पॉज के लिए है। ये आपको इंस्ट्रक्शंस लाइक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन से है ये प्रेस करना रहता है। एंड ये आपको रीप्ले करने के लिए रहता है। अभी हम लोग नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को QR कोड इससे दिखाना है। मैं पेयर्स का QR कोड दिखा रहा हूँ इसे। पेपर को पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि फ़िलहाल मैंने टेप नहीं किया है। ओके, सो एवरी टाइम हम लोग को नेक्स्ट या कुछ बटन प्रेस करने तो यहाँ पे वो ब्लिंक होगा। मैं भी नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। सो इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ और भी बोलते हैं एक्चुअली चाइनीज़ में। इंग्लिश में होता तो समझ जाता। आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। बहुत नीट ड्राइंग बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ये ड्रॉ करें, आप यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ करें। आपका बच्चा ड्राइंग भी सीख सकता है इससे।